प्रोडक्ट का नाम है, एक बार जोरदार तालियों से इसको स्वागत करें, इनका नाम है प्रो एंजाइम। प्रो एग्रो का प्रो एंजाइम है, और प्रो एंजाइम जो है इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रो एंजाइम एक सीविड्स है। सीविड्स का मतलब है कि समुन्द्र में मिला हुआ एक शैवाल है, प्रोविड्स। और ये जो शैवाल होता है, ये शैवाल ज्यादातर नॉर्वे और कनाडा में मिलता है, बेसिकली जहां बहुत ठंड होता है वहां ये मिलता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है एस्कोफाइलम नोडोसम। ये एस्कोफाइलम नोडोसम जो ऐसा शैवाल होता है जिसके अंदर में करीब 65-60 से ज्यादा, अराउंड 65-70 फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, पेड़ पौधा से मिला हुआ पोषक तत्व होता है, जो आपको स्पेशली पेड़ पौधे के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और बहुत अच्छे न्यूट्रिशन देते हैं और पेड़ पौधे का ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे ये प्रो सुपर 80 और प्रो एंजाइम जैसा और एक प्रोडक्ट मेरे पास था, तो उस प्रोडक्ट लेके मैंने काम कर रहे थे झारखंड में, और एक किसान भाई आया, उन्होंने बोला कि सर मेरा जमीन में पहले सालों में, एक साल में जब अपने खेती करते थे तो करीब 12 क्विंटल तक चना मिलता था। चना आप समझ रहे हो ना, छोले, चना मिलता था। तो इस बार सर ये 2-3 सालों में हम लोग इतने सारे खेती कर रहे हैं, वो 12 क्विंटल से करीब 8 क्विंटल में चला आया, तो मेरा पूरा लॉस होता है चना में, जमीन का क्वालिटी बहुत खराब हो गया। तो पता नहीं, मैं उतना नॉलेज तो मेरे पास नहीं था स्पेशली खेती करने का, बट मेरे पास प्रोडक्ट नॉलेज था। तो मैंने उस किसान भाई को बोला कि सर ये जो एस्कोफाइलम नोडोसम जो सीविड्स है, और इसके साथ एक एडजुवेंट देके आप 15 दिन में एक बार करके स्प्रे कीजिए जब आप चना लगाएंगे इसके बाद, और इसको आप जब 90 दिन का पीरियड में हर 15 दिन में इसको इस्तेमाल कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 6 महीना बाद रांची में उस एक मीटिंग हॉल में, मेरे को अभी भी याद है, होटल का नाम राज रेसिडेंसी था, वहां मेरा मीटिंग चल रहा था, और वहां उस फार्मर फिर आए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बोला सर आपने क्या क्या नुस्खा दे दिया सर, बहुत बढ़िया हुआ सर। मैंने सोचा क्या हो गया, बोला सर जिस जमीन में पिछले साल 8 क्विंटल से 9 क्विंटल चना हुआ था, इस साल वहां 16 क्विंटल चना हुआ है। आप सोचिए ऑलमोस्ट डबल। नाउ ये सीविड एक्सट्रैक्ट हम लोग आपको दे रहा है दुनिया, इट्स अ कंप्लीटली इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, इंडिया में नहीं मिलता है सीविड, ये मिलता है आपको कनाडा में, नहीं तो नॉर्वे में। नॉर्वे में और कनाडा में इसलिए मिलता है क्योंकि जो नॉर्वे का सीविड्स है, जो कनाडा का सीविड्स है, ये ठंड का एरिया में बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अंदर में करीब 60 डिफरेंट आपको मिलता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पेड़ पौधा से मिला हुआ पोषण, जो आपका पेड़ पौधा को ग्रोथ को बहुत अच्छे करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा खास प्रोडक्ट है, इसके अंदर में करीब 21 अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है, इसके अंदर में जितने हार्मोन पेड़ पौधे के लिए चाहिए वो हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन, जिब्बारेलिन, साइटोकाइनिन, ये पूरा उसके अंदर में है। इसके बाद इस प्रोडक्ट के अंदर में बीटेन बोल के केमिकल होता है जो पेड़ पौधों को स्ट्रेस से बचाते हैं, जब सूखा पड़ते हैं तो पेड़ पौधे मरने का चांस होता है, तो ये पेड़ पौधे के अंदर में पानी को स्टोर रखते हैं। दोस्तों प्रो एंजाइम ऐसा एक खास प्रोडक्ट है, ये फल का साइज बड़ा करते हैं, जो 16 क्विंटल हुआ है ना, उसमें एक ही कारण हुआ था कि फल का जो चना का साइज है वो बड़ा हुआ था। दूसरा है इसमें टिलरिंग बहुत अच्छे होता है। टिलरिंग क्या होता है मैं बता दूं कि जब आपके जमीन में ज्यादा सही मात्रा में फर्टिलाइजर नहीं होगा तो पेड़ तो होगा बट उसका जो ब्रांचेस होगा वो कम होता है, इस ब्रांचेस को बोलते हैं टिलरिंग। नाउ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रो एंजाइम में ब्रांचेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मीन्स एक पेड़ में आपको मान लीजिए 500 ग्राम कुछ मिले तो वो अराउंड 60-70% बढ़ जाते हैं, करीब 750 ग्राम आपको फल मिल सकता है। तो इसका साइज बड़ा होने का कारण और ये टीलरिंग के कारण, डिफरेंट ब्रांचेस तैयार होने का कारण, तो ये प्रो एंजाइम का बहुत खास है। इसके बाद मैं कुछ अंग्रेजी शब्द बोलूंगा, ये आप लोग लोकल लैंग्वेज में मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। ये प्रो एंजाइम जो है इसमें एब्सिशन कम होता है। ये एब्सिशन क्या होता है, कभी भी देखिएगा कि पेड़ पौधे से जो फल हो रहा है, जो फूल हो रहा है, वो थोड़ा सा झर जाता है, उसको पेड़ पौधे से गिर जाते हैं, मिट्टी में गिर के खराब हो जाते हैं, और प्रो एंजाइम जो होता है ये एब्सिशन को कंट्रोल करता है, मीन्स पेड़ पौधे से फल को और फूल को गिरने नहीं देता है। तो इसमें भी आपको फल का जो अमाउंट होता है, क्वांटिटी होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो ये एक बहुत खास चीज है इसके अंदर में। और दोस्तों ये
पेड़ पौधे के ऊपर स्प्रे करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मिट्टी में ज्यादा काम नहीं है, ये सॉयल कंडीशन को ठीक करता है, ऐसा बड़ी बात नहीं है, बट इसको ज्यादातर यूज करने का जो तरीका होता है ना, इसको फॉलियर स्प्रे करना पड़ता है, ये नैपसैक स्प्रेयर से पेड़ पौधे के ऊपर स्प्रे करना पड़ता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है पत्ते से, पत्ता का मतलब स्टोमाटा से, वहां से एब्जॉर्ब होता है और पेड़ पौधे को पूरा पूरा एकदम एकदम भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है। तो जिनको फर्स्ट एक्शन चाहिए उनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें उनको बहुत फायदा मिल सकता है। इसका और एक किस्सा मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कितना इफेक्टिव है। मेरा एक दोस्त ही बोलूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते थे, जिनका खेती का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने पेड़ के ऊपर जो चावल धान पैडी लगा हुआ था, जो धान का पेड़ लगा हुआ था, जो चावल का पेड़ लगा हुआ था और गेहूं का पेड़ लगा हुआ था, गेहूं ही था शायद, मेरे को लगता है गेहूं के ऊपर उन्होंने हर्बिसाइड स्प्रे कर दिए थे। तो आप सोचिए, नॉर्मल पेड़ के ऊपर जब हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो मरने लायक हो गए थे, पूरा पेड़ था वो पीला हो गया था और बहुत ही प्रॉब्लम में आया था। तो वहां का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने बोला सर एक काम करो, इसके ऊपर आप सीविड्स एक्सट्रैक्ट स्प्रे करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन के अंदर में जितना पेड़ खराब हो गया था, जितना पेड़ पीला हो गया था, वो पेड़ फिर नॉर्मल हरा बना गया था। तो मान लीजिए जहां आपको जमीन के कारण आपका पेड़ पीलापन हो रहा है, जहां न्यूट्रिशन की कमी के कारण पीलापन हो रहा है, पेड़ सूख रहा है, तो उसके ऊपर इसको यूज किया जाए तो वो बहुत जल्दी हरापन लेके आएगा। तो किसी को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए कि मेरे को अच्छा फलन भी चाहिए, पेड़ पौधे भी अच्छा हो जाए और हरा भी होना चाहिए, तो प्रोएंजाइम बेहतरीन काम करता है। तो इंस्टेंट सक्सेस के लिए प्रोएंजाइम इज वेरी गुड। इसके अंदर में 60 से ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, उसके साथ कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम रहते हैं, आयरन रहता है, कॉपर रहते हैं, जिंक रहते हैं, बोरॉन रहते हैं, जितने सारे मैंगनीज रहते हैं, मॉलिब्डियम रहते हैं, जितने सारे प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर में है। तो इट्स ए कंप्लीट न्यूट्रिशनल पैकेज। हम लोग मल्टीविटामिन लेते हैं ना, ये प्लांट के लिए मल्टीविटामिन मिनरल्स होता है कि उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रोएंजाइम और उसके साथ प्रो सुपर 80 दोनों मिला के आप स्प्रे किया जाए तो इसका रिस्पॉन्स जो होता है बहुत बढ़िया होता है। नाउ इसका भी कंसेंट्रेशन हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे दिया है दोस्तों। बाकी कंपनी का इसका कंसेंट्रेशन जो होता है अराउंड 3 to 5 ml होता है पर लीटर में। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, प्रोवेदा ने जो कंसेंट्रेशन आपको दिया हुआ है स्प्रे करने के लिए, मिलाने के लिए, इट इज जस्ट 1 ml to 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। मीन्स आपको 15 ml का जो 15 लीटर का जो बैग होता है, जो स्प्रेयर होता है, उसके अंदर में खाली आपको 15 ml से 30 ml मिलाना पड़ेगा, 2 ढक्कन हार्डली। और इसमें 5 ml अपने प्रो सुपर मिला दीजिए, एकदम सॉलिड स्प्रे हो जाएगा और 15 दिन में एक बार स्प्रे करना है। आप देखिएगा आपका जमीन का क्वालिटी कितना अच्छा होगा, आपका फल कितना अच्छा मिलेगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितना अच्छा होगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट को सही, शानदार सर, बहुत बेहतरीन। इट्स अ बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैंने ये, हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहा है, क्योंकि आप लोग जिसको ये प्रोडक्ट देंगे, जिस फार्मर के पास ये प्रोडक्ट जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके लिए दुआएं देंगे। पैसा तो देंगे ही देंगे, साथ में दुआएं भी आएगा आपके लिए, क्योंकि इतना बढ़िया तरीका से ये प्रोडक्ट काम करता है। और इसके साथ साथ आपको प्रो सुपर मिलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रो एंजाइम इज अ यूनिक प्रोडक्ट, इसको 1 ml पर लीटर इसको यूज करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप प्रो सुपर मिला दीजिए 5 ml पर 15 लीटर में, आपका फॉर्मुलेशन तय। इसके साथ आप चाहे तो पेस्टिसाइड मिला सकते हो, इसके साथ फंगीसाइड मिला सकते हो, इनके साथ एक्रीसाइड मिला सकते हो। इस प्रोडक्ट का गुण को कोई भी तरीके से खराब नहीं होगा, इतने बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो एक ही बार आपको स्प्रे करना है, मान लीजिए सब एक साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो, एक्सेप्ट इसके साथ खाली हर्बिसाइड, जो खरपतवार नाशक होता है, उस खरपतवार नाशक को आपने इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये उनको खराब कर देते हैं प्रोएंजाइम के इफेक्ट को। अदरवाइज आप इसके साथ कोई भी चीज मिला सकते हो, ग्रोथ अच्छा होता है, फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, यील्ड बढ़ता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। और आप देखिएगा, जिस जमीन में पानी कम है, बाकी हर पेड़ सूख जाएगा, बट इसके अंदर में बिटेन रहने का कारण आप प्रोएंजाइम दिया हुआ, जो स्प्रे किया हुआ, जो पेड़ पौधे होता है, उसके अंदर में पानी सूखेगा नहीं, तो सूखा में भी ये स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है।
सो इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट आप सभी लोगों के लिए।